दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर आज आईफोन 6 है जिसको मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ था ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो तरह की डिस्प्ले है आईफोन 6 की है, जो कि दोनों इनमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली डिस्प्ले है ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है, लेकिन इसके अंदर इसका होम बटन और कैमरा वगैरह सब कुछ इसके अंदर पहले से ही फिट है। और ये जो न्यू डिस्प्ले है तो इस बिल्कुल फ्रेश है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी इसका होम बटन कैमरा है मैं इसके अंदर रिप्लेस करूँगा। तो चलिए इसको करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक गुड फादर में। अगर कहीं से चैनल पे नए आ गए हो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास आईफोन 6 है जिसको मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे दो डिस्प्ले का मैंने आपको सीन बता दिया इंट्रो में जाकर। तो यहाँ पे मैं इस पहली वाली डिस्प्ले को रख देता हूँ और जो कि पुरानी वाली डिस्प्ले है यहाँ पे मैं पहले आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा कि ये ऑन है या नहीं है और इसमें क्या शो हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले बैटरी रिमूव कर देता हूँ बोर्ड से। तो देख सकते हैं मैंने बैटरी रिमूव कर दिया। मैं यहाँ पे स्क्रीन को अटैच कर देता हूँ अपने बोर्ड से। तो अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लैंक ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये डिस्प्ले नहीं चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले पुरानी वाली डिस्प्ले के सारे स्क्रू निकाल दूंगा ताकि मैं जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो रिमूव कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, जो कि अब मैं ये पहले प्लेट रिमूव कर रहा हूँ, ये हमारी होम बटन की होती है। तो ये मैं निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है। अब मैंने कैमरा वगैरह सब कुछ रिमूव कर लिया था इसका। तो अब ये पुरानी डिस्प्ले को तो अभी हम रख देंगे साइड में। पहले मैं चेक कर लेता हूँ ताकि कोई पार्ट रह तो नहीं गया इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पार्ट्स नहीं रहा है। तो अब मैं इसको साइड रख देता हूँ। अब न्यू डिस्प्ले के अंदर हम इसको सब कुछ फिट कर देंगे जो भी इसके अंदर पार्ट्स हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैं इसको फिट कर रहा हूँ, इसका कैमरा जो भी इसका ईयरफोन वगैरह ऊपर जो भी है लगा होगा मैं सब कुछ इसका फिट कर दूंगा वापस। तो यहाँ पे मैंने होम बटन भी कर दिया है फिट यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सारे स्क्रू लगा रहा हूँ अभी इसके। तो यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली इसको कर दिया है पैक। तो अब बात आती है इसकी टेस्टिंग की कि ये चला है नहीं चला है। तो देखते हैं इसको चलाकर। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लगा दिया है, अब बस खाली मुझे बैटरी अटैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने बैटरी को अटैच कर दिया है। अब इसको पावर ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ से मैंने पूरा इसको प्रेस कर दिया अच्छी तरह। तो अब इसको पावर ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल लोगो शो हो चुका है हमारी स्क्रीन में, लेकिन मैं इसका होम बटन भी चेक करूँगा। तो यहाँ पे देख लेता हूँ होम बटन। तो देख सकते हैं यहाँ पे होम बटन वर्क कर रहा है और टच वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह यहाँ पे वर्क कर रही है। तो यहाँ पे मुझे भी कोई फॉल्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय दोस्तों।